बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? 1946 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दिया जा रहा था तो उस टाइम हेल्थ की डेफिनेशन भी पेश की गई। हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। Before discussing or exploring this topic, I would like to suggest you to kindly subscribe my channel. WHO की इस डेफिनेशन के मुताबिक एक आदमी की हेल्थ चार हिस्सों में तकसीम है, जिसमें पहले तीन हिस्से तो ख़ास तौर पर अहम हैं, जबकि चौथा हिस्सा जो है वो इन तीनों को थोड़ा एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला हिस्सा ये है कि फिज़िकल हेल्थ, दूसरा है मेंटल हेल्थ और तीसरा है सोशल वेलबींग। सबसे पहले फ़िज़िकल हेल्थ, यानी कि जो हमारी बॉडी के प्रोसेसेस हैं ये तमाम अगर नॉर्मली हो रहे हैं और जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है तो ये फ़िज़िकल हेल्थ की डोमेन में आते हैं। उसके बाद बात आती है मेंटल हेल्थ की। अगर एक आदमी अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं वो सही तरह से परफॉर्म कर रहा है और इसके अलावा जो स्ट्रेसेस उसकी लाइफ में आ जाते हैं अचानक से वो उनको भी कोप कर रहा है, और तीसरी चीज़ ये कि जो उसकी जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है उसके लिए भी अगर वो एफ़र्ट्स कर रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की, तो वो मेंटली हेल्दी है और वो एक नॉर्मल पर्सन है। तीसरी चीज़ है सोशल वेलबींग, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर रहते हुए हर एक फ़र्द को उसकी जो बेसिक लाइफ नीड्स हैं, यानी कि उसको खाने पीने की चीज़ें मुयसर हों, उसके रहने के लिए घर मुयसर हो और उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइडेड है अगर, तो वो सोशली वेल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं।